नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपीएस साय वाला डिग्री धारक है, साय वाला पीएम बन रहा है। एक साय वाले एरा भी है जो मतलब अपने एक संदेश दे रहा, बिल्कुल पिंड वाला रमाए बरीज रहो मामी बराबर हो साय साय रिठे लिए जो अटे देख रहे एमपीएस साय वाला। एक ये जो अनर पढ़ाई बाद मैंने एक चीज था पढ़ी, एक पे मेहनत करो तो बहुत कुछ है। ये अति पढ़ाई की थी जॉब रे बारे में तैयारी करो, सब कुछ करो, बीजू अनोरी जो कहानी ओपे देखवा जाओ तो बहुत बड़ी दुखद कहानी और अपने प्रेरणादायक कहानी। शायर माते चर्चा करो, एक बार चर्चा बहुत करनी भी बहुत जरूरी है कि शायर हाथी कन टाइप के चर्चा करो ला मारे पड़े पैसा जुड़ी। एक सीधो सो सवाल हो शायर लेने हमेशा आदमी कन टाइप की का करनी सोचे का नहीं हुए, जीवन परिचय संघर्ष करना जरूरी है। मैं बातचीत करूँ साहब जी, नमस्कार। आपने शायर संघर्ष काफ़ी लंबो हाली हो और मारे पड़े आ भी आई कि आपने काफ़ी बार कई प्रकार की घटना भी हुई, फिर भी आप शायरे प्रति निरंतर रिया पे कौम धंडो चालू रखो। तो मु मार्केट में आए वन टाइम कुछ लंबो होश ना आयो, वो नहीं होशी हो कि एक साल वास्ते, दो साल वास्ते, पाँच साल वास्ते, लाइफ टाइम रे वास्ते होश ना आयो। जो स्टार्टअप खड़ो की दे तो मार खुद री स्थिति नहीं थी चालू करूँ मुँह, बाकी कुछ एडजस्टमेंट की दो परेशानी हुआ, परेशानी आई, घनी दिक्कत आई, कहीं एक्सक्यूज नहीं दीदो कि मारू वो नहीं वे, मारू वो नहीं वे, मार घर वाला साथ नहीं दे रहा, बस खुद की दो खुद रे बलबूता माते की दो। खबर आ ये कि आप माता पिता रो सारो ही नहीं लीधो, आप रोजगार चालू एक रुपया सारो नहीं लीधो, सब नहीं ठाया है, सब जना की हो ना। आज भी लोग क्या तू नाइट ड्यूटी करें, दिन में वो करें क्यों, ना ना मैं किया, मैं कि मैंने कोई नहीं नींद को जरूरी नहीं, मारे वास्ते दो घंटा नींद बहुत होगी, वो नींद रो तो आलसी नहीं हो कि मैंने पूरा दिन नींद पूर्ण वास्ते सही है। कम से कम कन टाइप रो आप संघर्ष रही हो जीवन परिचय कन टाइप की हाली से एक साल में देख रही स्ट्रगल बहुत जबरदस्त बोले तो बहुत खुद परेशानी वाला निकली हो, नाइट में ड्यूटी ने दिन में वो कर दो, एक स्टार्टअप चालू की दो वन डेढ़ महीना बाद में मारा एक्सीडेंट हो गया जबरदस्त, अरे पिंडवाड़ा सरकारी हॉस्पिटल ले थके मैंने बाद में आवड़ बंद नहीं की दो कैफे माते है ना होटल माते अब तो रही हो कंटिन्यू आप तो रही हो टेम्पो आप तो डेली सुबह आप तो सोमरा रात्रा लेट जाते हो, हमें एक साल ही सुई हो दस दिन भी लोकेशन चेंज की दो, पहला लोकेशन एसडीएम ऑफिस रहे होमी है तो एक सवाल वो उठे कि कई लोग देखे कि शायर माते चर्चा करो जे लोग अपन घना आज में मजा गज में कि ये भी मोदी जी की नकल करे कटे थोड़े हाथी भी यारी कोई खबर हुई ना मुँह कोई मोदी जी की नकल नहीं की थी, मैं एक जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है एमबीए चाय वालों मैं इंस्पायरमेंट चालू की थी कि अगर वो कर सके तो मैं भी कर सकूँ। एक सवाल वो उठे कि आपने एम पी एस नाम लिखी हुआ है, मैं माता और पिता। हाँ सर, वो एम पी एस एक बहुत आप देखो तो बहुत मोटी विचारधारा है, नॉम नहीं है, नॉम नॉम मत कहो, एम पी एस है एक तो खूब कह रही आपने किकर हम जाऊँ विचारधारा, पापा मम्मी ने मुँह स्टार्टिंग में एम रो मतलब पापा वह ने पी रो मतलब मैं वेऊ एस रो मतलब माता जी रहे, क्यों मारे कहीं कोई डिग्री है नहीं, वो ग्यारहवीं पहलूँ जरूरी नहीं कि डिग्री वालों खुद स्टार्टअप खड़ो करे, जन वास्ते मैं खुद ही ब्रांड बनाई मार्केट में। मोदी जी आइए बाद में सारो एक ज्यादा ट्रेंड हाले जाने के भाई कोई योजना आइसक्रीम चालू हुई बन जी। हाँ सर, कि मोदी जी कुछ करे अड़ो जो लोग सब इंस्पायर हुए, मोदी जी सब इंस्पायरिंग कौम की तोड़ो धन्यवाद। दूसरा लोग उनका संदेश दियो, काफी ऐसा लोग भाई जो मतलब पढ़ाई भी करे सब कुछ करे, बना ना आपका संदेश दे उन्होंने मोज क्यों रात दिन टिके रहो हर मॉर्निंग नहीं, बल्कि कैडी मुसीबत आ जाए जैसे कि मारे आई थी मुसीबत, एक टॉम एक पूरी तरह टूट गई थी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट है तो घर वाला मन एकदम ठीक कराने मिली हो तो उन्हें तूफान से मजबूत तैयार हुए एकदम चालू कर खुद काम का लारा रख मती लारा रखी हो तो मैं क्यों मार्केट कोई ऑप्शन नहीं तो कि बर्बाद भेजा तो अगर लारा रखी हो तो बहुत ज़्यादा मोटो इन्वेस्टमेंट कर दियो तो मारे वास्ते दो दो लाख डेढ़ लाख खूब मोटी रकम मायने रखे पर तो की दो हिम्मत रखने शायर पहला कार से काम करता मैं आल भी फिलहाल वही काम करूँ जो पहला करता तो वन काम ने छोड़िए नहीं क्योंकि मारी स्थिति ऐडी है मैं छोड़ नहीं सकूँ। काफ़ी दर्शक जो देखते हैं उन्होंने मतलब एक संदेश मिली वो पे का चीज़ करनी सोचे ताकि अपने आगे मंच मिले आगे बढ़वार वास्ते बढ़िया आगे बढ़वार वास्ते एक टिकी हो बस मोज की आज जैसे कि मुँह स्टार्टअप खड़ो की तो एक साल में हारमोनी नहीं भले एक साल को बारह साल में तो हारमोनी नहीं बस टिकी रहूँ शायद बिल्कुल कई लोग मतलब एग्जाम ओ हो चेको दुर्घटना से देरी पड़े ढाबा डेबू करो नहीं और निरंतर हाल नहीं कछुआ चाल नहीं करछुआ चाल बस धीरे धीरे हाले पड़े मोटो खरगोश हो के कोई भी हो धीरे धीरे हाले ढाबा डीबू करे ना पर कोई भी काम करो तो फाप हो भाई साहब एक ही संदेश वो है अबार जो हाल ले रहे कैंटीन वगैरह सब कुछ करे खुद को भी बिजनेस है अति चीज़ पे देखिए रहा बाद में अपने काफ़ी कुछ लागू पे कि भाई आदमी निरंतर अगर काम करेला तो आवा बारिश टाइम में मैम शायर माते चर्चा करने कोई मोटी बात नहीं बाकी लोगों में कई लोगों में मजाक बने कि साहब ऐसा वाला मोदी जी आ अपनी फीलिंग है बाकी पढ़ाई रो भी इतना महत्व नहीं रही हो जितना रहना क्योंकि आजकल सरकार भी समय समय माते अरे नौकरियां नहीं निकालती।